हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं और मेरा बेटा दोनों मिलके बनाने वाले हैं एक केक एक इडली स्टैंड में। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और हाय, मैं शिवम हूँ, और आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक करिएगा। इस वीडियो में हम वॉइस ओवर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरी छोटी सी बेटी वो पीछे से बहुत हल्ला मचा रही थी, तो हम लोग को ऊपर से वॉइस ओवर देना पड़ गया। तो चलिए केक शुरू करते हैं, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा, और ज़रूर कीजिएगा लाइक और शेयर कमेंट, क्योंकि हम लोग ने इसमें बहुत मेहनत की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केक बनाना, किचन में चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आई एम टेकिंग ओरियो बिस्किट्स एंड आई विल टेक इट्स वाइट पार्ट इन दिस बाउल एंड टेक इट ब्लैक पार्ट इन दैट बाउल। ओके, बिकॉज वी हैव टू कट दैट, बिकॉज इट विल द वाइट पार्ट विल बी मेक वी विल मेक द वाइट पार्ट फॉर द क्रीम। ओके, सो यू हैव टू कट इट। Okay, so the white part is another bowl and the black part is another bowl. And now we are mixing the white part of the Oreo biscuits, because we have to make the cream, and we will add some milk, because we do not have to mix it like very liquid. We have to mix like it smooth. Okay, so you should add some milk. Okay. So now we are adding milk and we are mixing it. Now we have mixed it and now I am grinding the black part in a mixer, and I will add one glass of milk. You can add first also and last also. Okay, my mama is taking the batter out and I am mixing it. Or aap log. Okay, I'm mixing it and now my mama is adding ingredients. Okay, अब इसमें मैंने 1.5 स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर डाला है, और अब इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं एक पैकेट इनो, जो इनो में मार्केट में मिल जाता है ईजिली, वो मैंने एक साइड में डाला है, और उसके बाद थोड़ा सा दूध डालेंगे ताकि इनो और दूध दोनों आपस में रिएक्ट कर सके। और इसे बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, बहुत ही हल्के हाथों से बहुत ही थोड़ा सा मिक्स करना है, ताकि वो सिर्फ आपके बैटर में वो इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए। बस इसको आपको उसी बर्तन में रख डालना है जिसमें कि आप केक बनाना चाहते हो। और रेडी स्टैंड में एक स्टैंड लगा के मैंने इसको रख दिया है और ढक दिया है। इसे 20 to 25 मिनट्स लगेंगे बेक होने के लिए। तो देखो कितना अच्छे से मेरा केक बेक हो गया है, बिल्कुल भी स्पून में सॉरी नाइफ में चिपक नहीं रहा है, बिल्कुल अच्छे से बेक हो गया है। अब इसको तो अब हम केक को बाहर निकाल लेंगे और ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। अब मैंने एक प्लेट में या ट्रे में, जिसमें भी आपको केक निकालना हो उसमें निकाल लो, फिर उसके बाद एक नाइफ़ से मैंने उसके चारों तरफ थोड़ा थोड़ा सा कट लगा दिया है। और मेरे पास ऐसा कोई नाइफ़ नहीं है जिससे मैं केक को काट सकूँ, तो मैं एक थ्रेड की मदद से केक को बीच में से निकालूंगी। ये भी मैंने एक यूट्यूब में देखा था किसी को बताते हुए, तो मैंने वैसे ही ट्राई किया, तो केक बहुत ही ईजली बहुत आराम से निकल गया। और देख सकते हो आप कितना बढ़िया केक बना है, एकदम अच्छे से स्पंजी केक बना है। अब उसके ऊपर मैं थोड़ा सा, मैंने एक क्रीम घर में ही बनाई थी वो मैं थोड़ा सा नीचे लगा रही हूँ, और उसके ऊपर मैं शुगर सिरप डाल रही हूँ अच्छे तरीके से, थोड़ा थोड़ा सा करके डाल देंगे। और वो जो ओरियो बिस्किट की वाइट क्रीम थी वो उसके ऊपर लेयरिंग कर दूंगी मैं अच्छे से। नाउ अब उसके बाद मैंने इसके ऊपर चॉकलेट डाली थी, और वो जो वाइट ऑरेंज की क्रीम थी उससे सजा दिया। अभी पाइपिंग बैग तो है नहीं हमारे पास, तो ये दूध का पैकेट था, इसके साथ मैंने एक पाइपिंग बैग बनाया और उसमें क्रीम भर के उसी से डेकोरेट कर। अब इसके ऊपर बाकी चॉकलेट डाल के मैंने इसको डेकोरेट कर दिया था। अब ये बनाई हुई घर की जो क्रीम मैंने बनाई थी कलर्स के साथ, उसको मैंने इसमें सजाने के लिए रखा है, क्योंकि हम लोग के पास
पाइपिंग बैग अभी नहीं है और हम लोग लेके भी नहीं आ सकते बिकॉज अभी लॉकडाउन है और ये कोरोना वायरस का है। तो आप लोग भी ओके, तो हम लोग अब इसके ऊपर वाइट क्रीम लगा रहे हैं पाइपिंग बैग मतलब दूध के पैकेट से। हाँ, दूध और, के पैकेट से पाइपिंग बैग बना के। हाँ वही, और अब इसके साइड में हम लोग जो ऑरेंज क्रीम है वो लगाएंगे। ओके, तो इससे थोड़ा केक अच्छा लगेगा। देखिए हम लोग लगा रहे हैं इसे साइड से। केक कितना सुंदर लग रहा है ना जो, बहुत अच्छा लग रहा है मम्मा। और आपको अगर कोई भी चीज़ अच्छी लगे तो आप इस केक के ऊपर लगा सकते हैं। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम लोग अब चॉकलेट लगा रहे हैं। ओके मम्मा, ये देखिए हम लोग का केक कैसा है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ये सब कीजिएगा, क्योंकि हम लोग ने बहुत मेहनत की है। थैंक यू।